नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा 23 नवंबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों, जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित बन रहे हैं, उनकी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनकी भी जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। और अंत में साथियों, अपने देखेंगे राजस्थान जीके के जो पुरातत्विक स्थल हैं और उनसे संबंधित जो भी सभ्यताएं हैं और उनसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं, उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। ये सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों PDF का लिंक लगा दिया जाएगा, वहां से आप आसानी से PDF डाउनलोड कर पाओगे। तो साथियों, शुरुआत करेंगे सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रदेश की तीसरी बड़ी बर्ड सेंचुरी कहाँ विकसित की जा रही है। प्रदेश की तीसरी बड़ी बर्ड सेंचुरी है जो कहाँ विकसित की जा रही है, तो आंसर होगा नेवटा बांध जयपुर में। कहाँ पर विकसित की जा रही है, तो आंसर होगा नेवटा बांध जयपुर के अंदर। नेवटा बांध जयपुर के अंदर है जो इसको विकसित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे कहां पर है, तो नेवटा बांध जयपुर के अंदर। इसको 244 हेक्टर में तैयार किया जाएगा, यानी इसको कितने हेक्टर में तैयार किया जाएगा, 244 हेक्टेयर में इसको तैयार किया जाएगा। इसको 7 ब्लॉकों में बांटा गया है। इसको कितने ब्लॉकों में बांटा गया है, तो आंसर होगा 7 ब्लॉकों में बांटा गया है। कितने ब्लॉकों में, तो आंसर है 7 ब्लॉकों में बांटा गया है। 244 हेक्टर में इसको तैयार किया जाएगा। कहां पर है, नेवटा बांध जयपुर में। तो इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो अपने देखे। आगे बढ़ेंगे अब। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सीनियर राज्य स्तरीय बाल बैडमिंटन आपसे पूछा गया है। सीनियर राज्य स्तरीय बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया, तो आंसर है नागौर में। कहां पर किया गया था, आंसर होगा नागौर के अंदर। साथियों, इसका आयोजन है जो किया गया था, कहां पर किया गया था, नागौर के अंदर आयोजित किया गया था। जो इसमें पुरुष व महिला दोनों वर्ग में साथियों, जो बीकानेर की टीम थी वो विजेता बनी। कहां की, बीकानेर की टीम, बीकानेर की जो टीम थी वो इसमें विजेता बनी। इसका आयोजन किया गया था नागौर में। विजेता कौन बनी थी, बीकानेर की जो पुरुष है महिला दोनों की टीमें थी, जो पुरुष वर्ग में भी चैंपियन बनी वह महिला वर्ग में ही, और पुरुष वर्ग में उपविजेता टीम रही थी जयपुर की। पुरुष वर्ग में जयपुर की जो टीम है वो उपविजेता रही थी, पूछा जा सकता है साथियों आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मिस्टर राजस्थान 2023 का खिताब किसे दिया गया, तो आंसर होगा अंसवालिया को। किसे दिया गया है मिस्टर राजस्थान 2023 का खिताब, आंसर है अंसवालिया को। किसको दिया गया साथियों, आंसर होगा अंसवालिया को। ये कहाँ के हैं, तो ये जयपुर के रहने वाले हैं। कहाँ के, ये जयपुर के रहने वाले हैं। कौन है, अंसवालिया। कहाँ के रहने वाले हैं, जयपुर के रहने वाले हैं। कौन सा अवार्ड दिया गया, मिस्टर राजस्थान 2023 का खिताब इन्हें दिया गया। अभिषेक चौधरी जो फर्स्ट रनर अप कौन रहे, अभिषेक चौधरी रहे थे, वो भी कहां के हैं, वो भी साथियों जयपुर के ही रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व की सबसे बड़ी घंटी बनाने वाले डिजाइनर कौन थे जिनका निधन हो गया, तो आंसर है साथियों देवेंद्र आर्य, जिन्होंने जो चंबल रिवर फ्रंट पर सबसे बड़ा घंटी का डिजाइन किया था, और उनका 19 नवंबर को साथियों हाल ही में निधन हो गया था। 19 नवंबर के दिन इसमें कुछ कमी खराबी आ गई थी, जिसको सही करने के लिए उन्हें बुलाया गया था, लेकिन एक दुर्घटना के चलते इनका निधन हो गया। किसका, देवेंद्र आर्य, जिन्होंने विश्व की सबसे बड़ी घंटी बनाने के लिए ये डिजाइनर थे, और इनका हाल ही में निधन हो गया। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा प्रदेश से किसका जल प्रहरी अवार्ड के लिए चुना गया है। प्रदेश से किसको है जो जल प्रहरी अवार्ड के लिए चुना गया है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा प्रदेश से किसको जल प्रहरी अवार्ड के लिए चुना गया है, तो आंसर होगा डॉक्टर मीना कुमारी जांगिड़ को चुना गया है। इनका संबंध कहां से है, चूरू जिले से है। इनका संबंध कहां से है, तो आंसर है चूरू जिले से है। तो साथियों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन।
अब अपने देखेंगे साथियों, जो राजस्थान का प्रात्विक स्थल है यानी जिसमें सभ्यता आ जाती है, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आहार संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं, यानी जो आहार संस्कृति है उसके अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो आंसर होगा उदयपुर से। कहाँ से मिले हैं, आंसर होगा उदयपुर से। आहार संस्कृति के अवशेष हैं जो कहाँ से मिले हैं, तो आंसर होगा उदयपुर से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, आंसर होगा उदयपुर से मिले हैं। आगे साथियों, अनाज रखने के बड़े मर्द बांड जिन्हें गौर बैंकोट कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो आंसर होगा आहड़ से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, आहड़ से। आपसे पूछा है अनाज रखने के बड़े मर्द बांड जिन्हें गौर बैकुंठ कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो आंसर होगा आहड़ से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, आंसर होगा आहड़ से प्राप्त हुए हैं। आगे है साथियों, दो मुंह का चूल्हा, दो मुंह का चूल्हा वह बहुत प्रकार के बर्तनों, दो मुंह का चूल्हा वह बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सील बट्टा किस स्थान से मिले हैं, तो आंसर होगा आहड़ से मिले हैं। कहां पर मिले हैं, आंसर होगा आहड़ से मिले हैं। आगे है साथियों, आहड़ के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो आंसर होगा चांदी से। आपसे पूछा है कि आहड़ के जो लोग थे किस धातु से परिचित नहीं थे, तो आंसर होगा चांदी से परिचित नहीं थे। आगे है साथियों, भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान के किस सभ्यता से संबंधित है, तो आंसर है बेराठ। भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान के किस सभ्यता से संबंधित है, तो आंसर होगा बेराठ। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों आपसे। तो साथियों, इस सेशन में मैंने आपके साथ जो राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो शेयर किए, और साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनकी भी जानकारी साझा की, और अंत में पांच महत्वपूर्ण प्रश्न देखे राजस्थान जीके के। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।